수 있는 거예요. 종이 무기자가 너를 제일 괜찮은데. 이건 안 돼. 이건 위기 옆이잖아. 레디? 지금 위기 무기자? 마을 내가 봐. Okay, Dharma Productions and Radio City is very, very proud to present this fabulous bouquet of music because I think Karan is power punch and a lot of melody and romance and soul. So I can say very happy with you that Ajay, you have given a very beautiful combination. There are very different tracks. Every track is different from the other. And we're very proud to present to you finally the music album. So let's go ahead and see the brothers up in arms. Yeah. Woo! That looks nice. I think क्योंकि इन्होंने भाइयों का जंग कराया एक आपके उनके बीच में एक कसम वाला एक हो जाए. Come on. नहीं हम लोगों में कोई कसम नहीं है. आशा. म्यूजिशियन को शोभा नहीं देता है बाहर मस्ती काम ही ऐसे करता लेकिन आप वो तो होता होगा ऑपरेशन होता होगा ना कि मेरे पास वो शॉट नहीं आया तेरे से नहीं ले लूंगा तो हाँ उतना हो जाएगा हो सकता है ऑफ द रिकॉर्ड टाइप्स हाँ तो इतना फिर क्यों झगड़ क्यों रहे होते हैं सर अजय अतुल खरं तर तुम्ही मराठी मध्ये तर एवढं केलेलं आहे आणि हिंदी मध्ये देखील तुमचं एक चांगलं पाऊल आपणायला लागेल अनेक सिनेमे केलेले आहेत मात्र या सिनेमाची खासियत म्हणजे याच्यामध्ये 10 वर्षापूर्वी तुम्ही जत्रा हा सिनेमा केला होता आणि जत्रातली दोन्ही गाणी तुम्ही बॉलिवूड मध्ये आणलेली आहेत काय खासियत सांगाल मैना आणि मेरी मध्ये हे सगळं क्रेडिट याला जातं फक्त तुमच्याकडे ओके हे सगळं क्रेडिट करणला जातं कारण मराठी मध्ये चालेल ना मराठी ये पूरा क्रेडिट जाएगा करण को क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कभी डिसाइड भी नहीं किया था कि हम लोग आइटम सॉन्ग करेंगे या कोई भी मराठी का गाना ही हम लोग यहाँ पे उसका रीमेक करेंगे लेकिन ये इतना कंफर्म होता है हर चीज में अगर उसको कोई चीज पसंद है तो उसको वही पसंद है कुछ भी करके अगर हम 100 भी गाने बनाते तो भी ये रिजेक्ट कर देता और इसकी वजह से ये गाना है और आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि ये जो गाना एक लैंग्वेज का एक बैरियर था जो उसने हमें समझाया है कि किसी गाने को एक हद तक क्यों रखते हो आप ये गाना अगर हिंदी फिल्म में आएगा तो सोचो ये पूरे ग्लोबली ये गाना पॉपुलर होगा तो उसको क्यों रोक रहे हो आप लोग तो ये बात हमें मतलब जची और इसकी वजह से हम लोग तैयार हो गए और करण आपने ये गाना सुना था मराठी में बिल्कुल बिल्कुल सुना मैंने एंड सुना इसीलिए इतना अच्छा लगा था जब अग्निपथ कर रहे थे तो चिकनी के लिए कोमड़ी अच्छा लगा था एंड इस फिल्म में जो सिचुएशन है मेरी का उसके लिए आई थिंक ये गोई मेरा इज परफेक्ट फिट एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग फॉर द मैरी सॉन्ग सो फार इट्स बीन वेरी एनकरेजिंग आई थिंक इट्स डूइंग व्हाट इट नीड्स टू डू व्हाट एन आइटम सॉन्ग फॉर अ फिल्म नीड्स टू डू आई थिंक इट्स मसाला इट्स मस्ती एंड कहीं ना कहीं आई थिंक फिल्म को जो एक कमर्शियल वैल्यू एड करता है आइटम सॉन्ग मेरी डेफिनेटली कर रहा है साउंड ट्रैक मध्ये काही चेंजेस आणण्याचा प्रयत्न केलात का की सेम ठेवलास अबाउट मेरी यू आर टॉकिंग और ओवरऑल साउंड ट्रैक नो मेरी वी डिडंट बिकॉज इस फिल्म में हमको वैसा कुछ चेंज नहीं चाहिए था और जो था उसी मतलब जो था वही बहुत अच्छा था तो इसको चेंज करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था ओनली थिंग दैट टाइम वी कैन नॉट अफोर्ड वी कुडंट अफोर्ड दैट मच म्यूजिशियंस एंड ऑल दैट ग्रैंडियर दिस टाइम वी कुड सो वी एडेड ऑल दैट सम म्यूजिक टू हिज चेंज बट पूरा गाना आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है वो
दहा वर्ष झाली, दहा वर्षांमध्ये या साऊंड ट्रॅकला तेवढाच रिस्पॉन्स मिळालाय जेवढा आधी दहा वर्षापूर्वी मिळालेला, याबद्दल एक काय वाटतं? कारण एक खर तर खूप कमी वेळा असं एखाद्या संगीतकाराला अनुभवायला मिळतं. नाही ऍक्च्युली सी आश्चर्य कशाचं वाटतं की दहा वर्षापूर्वी जेव्हा हे गाणं आलं होतं तेव्हा पुढची दोन वर्ष कुठेच नाव पण नव्हतं आमचं. आय डोंट नो वाय दॅट टाइम फॉज लाईक आय डोंट नो वाय, बट दोन वर्षानंतर गणपतीत वगैरे गाणं वाजायला लागलं आणि मग सुपर डुपर हिट होत गेलं हळू हळू हळू, इव्हेंच्युअली जास्त गाजलं. आता मला आश्चर्य वाटतं की हे म्हणजे ज्या मुवमेंटला आलं त्या मुवमेंटलाच त्याचे एक 1 मिलियन वगैरे प्लस काहीतरी हिट्स आहेत आता. दिस इज व्हेरी सरप्राइझिंग, आता दोन दिवसच झालेत. सो दिस इज व्हेरी सरप्राइझिंग फॉर मी अँड व्हेरी आय एम काय म्हणतात त्याला आय एम हॅपी टू नो दिस रिस्पॉन्स ऑल्सो बिकॉज हे काहीतरी अमेझिंग आहे. आणि त्यावेळेला दहा वर्षापूर्वी जे केलं होतं त्याचं आज म्हणजे काय म्हणतात त्याला मे बी मधल्या दहा वर्षाच्या काळात विस्मरणात गेला असेल काही लोकांच्या. आता या करणने एक गोष्ट फार महत्वाची सांगितली होती की जी गोष्ट तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये केलेली आहे जी महाराष्ट्रात खूप लोकांना आवडते ती थोडंसं पुढे जाऊन तुम्ही अजून विचार करा की मी तर नॉन मराठी आहे आणि मी आज ऐकतोय मला खूप आवडत आहे. सो ती फक्त महाराष्ट्रासाठी का ठेवत आहे, लेट इट सगळ्या जगाला ते कळू द्या की ते बाहेर जाऊ दे सगळ्यांकडे. सो आम्हाला ते खरंच पटलं, एका लिमिट नंतर पटलं ओके चला करून टाकू. सर पर करण इसके पहले आपने जयंत उनके बहुत सारे सॉन्ग सुने रहेंगे जो मराठी में थे या हिंदी में थे पहले वाले फिल्म में, तो कोई दूसरा ट्रैक आपको पसंद आया था सिर्फ ये महीना था? I think मेरा दिमाग चलता है जब सिचुएशन आती है गाने की एंड लकीली या अनलकीली आई थिंक फॉर देम. अगर मुझे कुछ एक बार पसंद आता है उनका तो मैं फिर आई थिंक काइंड ऑफ उस पर अटक जाता हूँ. तो आई डोंट ट्राई एंड कीप सर्चिंग कि अगर यार या तो वो भी कर लेंगे शायद वो भी कर ले. मैं ना हमेशा अच्छा लगा था एंड एंड आई थिंक इट फिट इन द फिल्म एंड उसके बाद डिस्कशन खत्म हो जाता है बियॉन्ड पॉइंट. एंड विद अजय अतुल आई थिंक उतना रिलेशनशिप है कि आई थिंक आफ्टर अग्निपथ मुझे अपने आप को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता बिकॉज दे अंडरस्टैंड आई एम कमिंग फ्रॉम, दे अंडरस्टैंड व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन अ सॉन्ग और ट्राइंग टू एटलीस्ट कन्वे थ्रू अ सॉन्ग. तो उस वजह से ज्यादा मेरे को टीटी खेलना नहीं पड़ता इनके साथ. जो है वो है, वो अच्छा है, उस पर काम करेंगे. ओके आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज कवर दिस. चिकनी चमेली में सबसे मीठी आवाज श्रेया घोषाल को आपने गाना दिया और अब चिन्मयी श्रीपद, वी हैव नेवर सीन हर लाइक दिस. ये एक आइटम सॉन्ग रॉन्ची नंबर टू, अ स्वीट वॉइस, ये कोई मतलब ये सोचा हुआ थॉट है कि क्या है? मैं जवाब दूं? हाँ दे सकते. बेसिकली हुआ ये था कि फिल्म में एज यू नो चार गाने हैं. एक गाना जो फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, जो इमोशनल ट्रैक है फिल्म का, जो फिल्म का बेसिक सुर है, वो श्रेया ने गाया हुआ है एंड वो गाना हमने मेरी से पहले रिकॉर्ड किया था. यस वी आर ऑल फैंस ऑफ श्रेया, शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब विद चिकनी चमेली एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन आफ्टर श्रेया संग दैट सॉन्ग इट वॉज सो स्टनिंग दैट वी कुड नॉट गो बियॉन्ड दैट सॉन्ग फॉर श्रेया इन द फिल्म, विच इज वाई वी वर ट्राइंग टू लुक फॉर अ वॉइस दैट माइट साउंड समथिंग मोर डिफरेंट, स्लाइटली मोर अनयूजुअल फॉर दिस एंड वुड नॉट कनेक्ट टू द मदर्स ट्रैक दैट द फिल्म हैज. Which is where Chinmay came up and Chinmay ko humne bulaya, Ajay Atul ne recommend kiya tha Chinmay ka naam and she came and sang the song and I think she's done a phenomenal job. Matlab Shreya is a genius in her own way, but I guess kai baar hota hai na, har gaane ki destiny hoti hai and aap jab emotional gaana sunenge, jab wo gaana aayega to I'm sure you will realize ke this was just meant for her and she's just taken it to some other level. And what about Vishal Dadlani? He's become